देखिए हम लोग तो देश के नागरिक हैं, अगर कुछ यहाँ पे हम लोग अपना समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, कुछ अपना चीज़ों को ठीक भी करना है और इन चीज़ों के साथ भी रहना है, हम लोग यहीं के जन्म लिए हैं और अगर यहाँ के लोगों को सेवा नहीं दे पाए और हम भी बाहर चले जाए तो ये कोई विकल्प नहीं है। और वो किस तो आलोक में बोले हैं, क्या सोच के बोले हैं, ये मुझे नहीं पता। आपको लग रहा है मैडम माहौल देश का ठीक नहीं है, अल्पसंख्यक विदेश में बच जाए, हमारे ऐसी सलाह दी। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ युवाओं को भटकाया जा रहा है, युवाओं को देखिए आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, आप फेसबुक खोल के देखिए, ट्विटर खोल के देखिए, लोग एक दूसरे से आइडियाज लेने के मंशे से सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, एक दूसरे से लड़ने के लिए फेसबुक ट्विटर सारा चीज़ सारा ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। लोग एक दूसरे से जुड़ने का मंशा या नहीं रखते, लोग एक दूसरे के मदद का भावना बहुत कम हो गया है, नफरत का एक माहौल, बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा जातीयता, बहुत ज़्यादा धर्म का मतलब भेदभाव, तो इन सब माहौल में लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। आम आदमी इसमें पिसते हैं, युवा हमेशा अपना भविष्य देखता है लेकिन युवाओं को जब उनका वोटिंग राइट्स मिलता है उस समय वो इतने भटका दिए जाते हैं। नहीं, हम सबको मिलके देखिए, अगर हम सब यही सोचने लगे तो देश का माहौल कौन बचाएगा, और देश को अगर हम इस हालत में छोड़ के चले जाएंगे तो देश कैसे हमारा आगे बढ़ पाएगा। तो हमें इन चुनौतियों का सामना करना है और देश को एक बनाकर और देश का माहौल ठीक करने का काम करना है। देखिए कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल पैदा तो किया जा रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, यहाँ पे अलग अलग तबके के लोग, दलित डरे हुए हैं, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, जो माइनॉरिटीज़ है वो डरे हुए हैं, तो गरीब लोग डरे हुए हैं, इसलिए क्योंकि जो माहौल अभी देश का है वो ठीक नहीं है, लोगों के अंदर बहुत भेदभाव है, नफरत है, तो इसी वजह से तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा इसी इंटेंशन से किए हैं ताकि ये माहौल से लोगों को निकाल सके। ठीक ठीक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।